आज हम जो महत्वपूर्ण एक वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकम टैक्स से संबंधित। तो इनकम टैक्स किस प्रकार से आपको रिटर्न करना है, रिटर्न भरना है, आप घर पर भी अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। उससे पहले आपको जो काम करना है हम लोग इस वीडियो में उसको देखेंगे, यानी कि आपका जो TDS कटा हुआ है, TDS और TDS जो कटता है वो 26AS फॉर्म में शो होता है। तो सबसे पहले जो TDS आपको कटा है, आपने विवरण दिखाया है, वो 26AS फॉर्म में हम सबसे पहले चेक करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर हमारा पूरा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि शो नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप अपने लेखा से संपर्क कर सकते हैं कि हमारा TDS अभी तक अपडेट नहीं है, उसको अपडेट किया जाए। उस संबंध में एप्लीकेशन मांगे तो आप एप्लीकेशन लिख करके भी दे दें। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इस बार जो वेबसाइट चेंज की गई है और जिस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर ये खोलने वाले हैं। तो पहली वेबसाइट जो थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके थी, थोड़ा बड़ी थी। इस बार जो इनकम टैक्स हम लिखते हैं इनकम टैक्स .gov.in ये वेबसाइट इस बार है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। अभी हम इनकम टैक्स केवल सर्च बार में डालते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो वेबसाइट होती थी वो हमारी ये होती थी, ये वाला लोगो आता था और ये हम ओपन करते थे, वहाँ से ई फिलिंग करते थे। लेकिन अब इसकी इस बार हम सिर्फ इनकम टैक्स लिखेंगे और इसको सर्च कर देंगे सर्च बॉक्स में डाल के। और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ये लिखा हुआ आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इनकम टैक्स यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम है https://www.incometax.gov.in इसको क्लिक करेंगे। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे एक आपको नया इंटरफेस मिलने को, ई फिलिंग 2.0 यहाँ पर ऊपर लिख करके आएगा, एकदम से नया इंटरफेस आपको ये मिलेगा। तो जब इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ से आप एक चीज़ और देख पाएंगे कि यहाँ से क्या क्या है, एक एक पॉइंट आप यहां से देख सकते हैं क्लिक कर करके। जैसे कि यहां पर ई वेरीफाई करने के लिंक आधार करने के लिए है, ई पे के लिए ई पे टैक्स करना है, इनकम टैक्स वेरीफाई पैन नंबर यदि वेरीफाई करना है तो यहां से कर सकते हैं, नो योर टेन यहां से कर सकते हैं, टैक्स यहां से कर सकते हैं टैक्स, और उसके बाद में सी मोर यहां से और भी देख सकते हैं जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको बताया। तो इनकम टैक्स केवल आप डालिएगा गूगल क्रोम में डालिएगा या किसी भी में कहीं भी किसी ब्राउज़र में सर्च करिएगा, पहली वेबसाइट को क्लिक करिए जहाँ पर incometax.gov.in लिखा हो तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब सीधे आप फाइल करने के लिए यदि जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट कि आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ने अभी पहले फाइल नहीं करना है क्योंकि हमको हमने पहले ही बताया आपको 26AS फॉर्म चेक करना है। यदि आपने जितना TDS काटा गया है वो उसमें मैच कर रहा है तभी आप अपना फॉर्म ई फाइलिंग करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जो हम सर्कल में बंद कर रहे हैं, इसको क्लिक करें। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से दो बिंदु आएंगे, रजिस्टर और लॉगिन। यदि आप न्यू टीचर हैं या न्यू एम्प्लॉय हैं, अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से लॉगिन करें, अदरवाइज तो हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज लोड होगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन हो पाएंगे। तो यहाँ पर लॉगिन के अब की बार दो तीन ऑप्शन हैं, लगभग दो तो कन्फर्म मानिएगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू। पहले केवल पैन कार्ड से ही लॉगिन हो पाते थे। तो यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालते हैं, आप छोटे बड़े में कैसे भी डालिए यहाँ पर कैपिटल ही लिखा जाएगा। और इसके बाद में कंटिन्यू का ऑप्शन ग्रीन येलो ब्लू हो गया है तो इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर आपको अब पासवर्ड डालना होगा। नीचे यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा जो भी आपका पासवर्ड हो। तो हमने पासवर्ड डाल दिया है लेकिन फिर भी जो सबमिट वाला कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है वो अभी तक ब्लू नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसे हम टिक करते हैं, जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, तो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा और मेन पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका पैन नंबर और आधार के लास्ट डिजिट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ लिखा हुआ। कॉन्टैक्ट डिटेल यदि आपको अपडेट करना है यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, बैंक अपडेट करनी है यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अकाउंट, योर अकाउंट इज नॉट सिक्योर विद इवॉल्ट, तो यहाँ पर हमारे में सिक्योर अकाउंट लिख करके आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं और यहाँ पर नीचे भी काफ़ी कुछ है। ई फाइल के लिए यहाँ से फाइल नाउ कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमने बोला
इस वीडियो में केवल हम लोग 26 AS फॉर्म को चेक करेंगे और टैक्स को जो अपडेट हुआ है, जो हमारे TDS कटा हुआ था वो अपडेट हुआ या नहीं उसको देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर आप देख पा रहे होंगे तीन लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि समांतर लाइनें हैं, इनको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, दूसरे नंबर पर ई फाइल लिखा हुआ मिल जाएगा ये, तो ई फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ई फाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स फॉर्म। तो ऊपर रिटर्न वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये व्यू फॉर्म 26 AS आ जाएगा। अब इसको हम क्लिक कर देंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। यू विल बी रिडायरेक्ट टू द, तो मतलब अलग वेबसाइट पर ये ले जाएगा। हम इसको कन्फर्म कर देते हैं, जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा इस टाइप का। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स है और यहाँ पर जो प्रोसीड लिख करके आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, छोटे बॉक्स को क्लिक करेंगे, प्रोसीड को क्लिक करेंगे, कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS, इसको क्लिक करें क्योंकि हमें टैक्स TDS अपडेट जो है कुछ चेक करना है। और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर हम जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा असेसमेंट ईयर होगा 21-22। उसके बाद व्यू एच पे हम HTML कर दे रहे हैं और व्यू डाउनलोड इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी टैक्स कटा हुआ है वो लिख करके आ जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिस बेसिक एजुकेशन इटावा, यहाँ पर आएंगे TDS डिडक्टर का पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड यानी कि जो सैलरी है वो आपको शो हो पा रही होगी, और उसके बाद में टोटल टैक्स डिडक्टेड, तो हमारे में 14,000 रुपये टैक्स कटा हुआ है वो लिखा हुआ, टोटल टैक्स 14,000 रुपये। तो हाँ, रियल में भी हमारा TDS यही कटा है, तो हमारा अपडेट है। तो हम 16 नंबर फॉर्म जैसे ही मिलेगा तुरंत भर सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं आने वाली है। यदि आपका इसमें भिन्नता है यानी कटा कुछ है, यहाँ पर कुछ और अपडेट है, तो उस स्थिति में आपको लेखा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वहाँ से अपना टैक्स अपडेट करवाना पड़ेगा जितना भी कटा है। अब देखते हैं कब कितना कटा है। तो यहाँ पर जो छोटा सा प्लस का निशान आगे बना हुआ है ये ब्लू कलर से, इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ गई है, कब कितना सैलरी आपकी बनी, कितना आपका टैक्स कटा, तो यहाँ पर सब कुछ पूरा डेट वाइज पूरा इनरोलमेंट मिल जाएगा, टोटल कटा हुआ टैक्स पूरा आपको शो हो जाएगा और देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, टेस्ट को अपडेट है या नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। बस इस वीडियो में हमें यही बताना था। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब हमारा फॉर्म 16 आ जाएगा, तब आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है, सिर्फ सैलरीड पर्सन और जो तरीका हम बताएंगे वो फॉर्म ITR 1 को किस प्रकार से भरना है, बस उसी के बारे में बताएंगे। तब तक आप वेट करिएगा, उम्मीद करता हूँ यही जानकारी आपको उपयोगी लगे।